panic-gripped Delhi NCR on Wednesday as nearly 100 schools received bomb threats via email. Delhi Fire Services said it received 97 bomb threat calls from across the city. Delhi police assured that they are conducting thorough searches and schools are closed as a part of the precautionary measures. A bomb detection unit, bomb disposal team, as well as Delhi Fire Service are also mobilized at the schools for conducting the search operations. जी यहाँ पे बॉम्ब थ्रेट का कॉल है और हमने सभी जगह को अटेंड किया, सभी जगह भेजी, पर कुछ स्कूलों से गाड़ियां वापस भी आना शुरू हो गए कि हॉक्स कॉल था, छोटे स्कूल थे, यहाँ उन्होंने देख लिया है। मुझे लगता है कि ये सारी कॉल जो है हॉक्स ही निकलेंगे। ये मैंने देखिए, हर कॉल को अटेंड किया गया, हम किसी कॉल को चांस नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे पास कॉल आ गया तो वी हैव टू अटेंड दैट कॉल, तो हमने सभी कॉल को अटेंड किया है। और सुबह से ही जो है, ये करीब 8 बजे मेरे को सूचना मिली थी कि 7 करीब स्कूलों में कॉल आ चुकी है, तभी मैंने सारे स्टेशन, सारे अफसर को अलर्ट कर दिया गया था। सारे हमारे अफसर जो है अभी अपने अपने स्टेशनों पे हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली दे उनको मूव किया जा सके, और बाकी हमने सारे काम अभी पोस्टपोन किए हुए हैं। क्यों अटेंड ऑल दिस कॉल? जी देखिए, पैनिक की बात नहीं है, हम लोग सभी लोग जो है पूरी तैयारी से इसमें लग गए हैं। और मुझे, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों से गाड़ियां भी वापस आ गई जिन्हें बताया गया कि हॉक्स कॉल थी, फॉल्स कॉल थी, तो मुझे लगता है सब कॉल फॉल्स हैं, किसी शरारती तत्व की जो है ये मुझे लगता है घटना है जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बात हो पाएगी होगी इसमें। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बाय दिल्ली पुलिस इंडिकेटेड टुवर्ड्स अ सिमिलर पैटर्न ऑफ थ्रेटनिंग ईमेल रिसीव्ड बाय डिफरेंट एंटिटीज सच एज हॉस्पिटल्स सिंस यस्टरडे। One of the police officials said that the mail does not mention Dateline or PCC, which means that the sender or the senders are following similar patterns. Meanwhile, Delhi Education Minister Atishi has requested parents and other citizens of Delhi not to panic. She also advised school authorities to stay in touch with parents of the children wherever needed. Also, Delhi's Lieutenant Governor V.K. Saxena has sought detailed report of the incident from police. Special Commissioner of Police R.P. Upadhyaya has called the incident a terror threat. जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, immediately पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं, हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो कल्प्रिट्स हैं उन बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है।